दोस्तों, अगर अभी आप मार्केट में 6,000 रुपए से नीचे अगर कोई एंड्रॉयड खरीदने जाएं तो दो सबसे बड़े दावेदार हैं शाओमी का Redmi 5A और अमेजोन का टेनोर डी। और हो भी क्यों ना, सिर्फ 6,000 रुपए में यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एंड्रॉयड इकोसिस्टम मिलता है, उसके साथ मिलता है आपको एक डिसेंट प्रोसेसर और डिसेंट कैमरा। और ऐसे में कौन सा फोन उठाए बेस्ट कैमरा क्वालिटी के लिए, वो कैसे जाने, तो दोस्तों वो जानेंगे आप इस वीडियो में, बिकॉज आज हम करने वाले हैं टेनोर डी और शाओमी Redmi 5A का कैमरा कंपैरिजन, और आपको बताएंगे कि किसकी फोटोज आती हैं लो लाइट, ब्राइट लाइट और HDR में सबसे अच्छी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम गैजेट्स की बात गाइडिंग टेक यानी GT हिंदी के साथ। तो दोनों ही फोन्स में जो कि Xiaomi का Redmi 5A है और Amazon का Tenor D, आपको लगभग सेम स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। अब Xiaomi Redmi 5A में आपको मिलता है 13+5 जो कि 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का रियर एंड फ्रंट कैमरा, और जो दोस्तों रियर कैमरा उसमें आपको मिलता है f2.2 का अपर्चर और फ्रंट कैमरा है f2.0 का। और अगर वहीं Amazon Tenor D की बात करें तो वहां पे भी आपको 13+5 का कॉम्बो मिलता है, लेकिन उनका जो रियर कैमरा का अपर्चर है वो f.2 है, जबकि f.2.2 आपको जो Xiaomi में मिलता है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मेगापिक्सल्स की बात नहीं है, यहाँ पे बात आती है जो कंपनी लेंस यूज करती है वो कैसा है, जो इमेज प्रोसेसिंग है वो कैसी है, तो वो सब आप देखते हैं दोस्तों इन फोटोज में। तो सबसे पहले हम करेंगे नॉर्मल ऑटो मोड में शूट, जो कि होगा एक डे लाइट एनवायरमेंट में। और यहाँ पे अगर आप दोनों फोटोज पर नजर डालें तो आपको थोड़े बहुत डिफरेंसेस मिल जाएंगे। और सबसे पहला डिफरेंस है कि जो Redmi 5A का दोस्तों जो फोटोग्राफ्स है वो जो फोटोज हैं दोस्तों आपको वहाँ पे कलर सैचुरेशन और शार्पनेस बहुत ही अच्छी मिलेगी। और वो ये कि आपको जो Xiaomi के जो कैमराज के जो पोस्ट प्रोसेसिंग होती है वहाँ पे जो शार्पनेस और ये जो कलर रिप्रोडक्शन है वो थोड़ा सा इन्हांस करके दिखाया जाता है। इसी में अगर हम Tenor D पे अगर नज़र डालते हैं तो वो इमेजेस बहुत फ्लैट हैं। और एक और बात, अगर आप ध्यान से देखें तो इनकी जो वाइट बैलेंस है वो भी थोड़ा ऑफ है, मतलब थोड़ा पीलापन आपको इन फोटोज़ में देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं हम HDR फोटोज़ की तरफ, और यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि Redmi 5A में आपको जो HDR मोड है उसको सेलेक्ट करना बहुत ईजी होता है, ऊपर बस एक HDR का टॉगल है, आपको वहाँ पे टैप करके HDR ऑन और ऑफ कर सकते हैं। लेकिन सिलेक्शन Tenor D में थोड़ा सा अंदर जाकर के, और जो Tenor D की फोटोज़ हैं वो प्रोसेस, मतलब अगर आप क्लिक करते हो तो उसके बाद 2 सेकंड लगती है उनको लेने में। उसके बाद अगर आप फोटोज़ पर नज़र डालें तो यहाँ भी आपको Redmi 5A की फ़ोटोज़ में जो क्रिस्पीनेस है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, और शार्पनेस भी बहुत ही अच्छी मेंटेन करता है जैसे कि वो नॉर्मल फोटोज में करता है। एंड एक बात है कि डायनेमिक रेंज आपको Tenor D में ज़्यादा मिलेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे इमेजेस बहुत फ्लैट हैं, और जिसको बोलते हैं ना पोस्ट प्रोसेसिंग की कमी अगर नज़र आती है तो वो Tenor D की फ़ोटोज़ में है, मतलब अगर शायद आगे अपडेट्स में इन्हें सुधारा भी जा सकता है। अब मैक्रो फोटोज़ में दोस्तों इतना ज़्यादा हमें फ़र्क नहीं समझ में आया, बिकॉज दोनों ही फ़ोन्स के जो मैक्रो डिस्टेंस है इतने खास नहीं है। और अगर आप एक मैक्रो फोटोग्राफी के लिए इन दोनों कैमरास को सिलेक्ट कर रहे हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि कुछ और ही खरीद लो, बिकॉज इसमें आपको उतना जो क्लैरिटी है वो देखने को नहीं मिलेगा, और दोनों ही कैमरेज मेरे हिसाब से इतने अच्छे नहीं काम करते। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं इंडोर फोटोज की तरफ, और यहाँ पे अगर आप फोटोज पे क्लोजली नजर डालें तो आपको Tenor D की फोटोज में बहुत नॉइज देखने को मिलेगी। और दोस्तों नॉइज का मतलब है वो ग्रेन्स, मतलब यहाँ पे पता चल रहा है कैमरे को कि उसको लाइट कैप्चर करने में प्रॉब्लम हो रही है, जबकि Redmi 5A की जो फोटोज हैं वो अच्छी क्वालिटी के हैं। अब अगर सेल्फीज की बात करें तो दोनों ही फोन दोस्तों 5 मेगापिक्सल f2.0 के साथ आते हैं, लेकिन मुझे Redmi 5A की फोटोज थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी, बिकॉज वहां पे अगेन क्लैरिटी ज़्यादा है, लाइट जितनी मिल रही है उसको उसमें जो प्रोसेस कर रहा है वो मुझे अच्छा लगा। तो यहाँ पे मैं बेसिकली यही बोलना चाहूँगा कि Tenor D अगर कहीं मांस खा रहा है तो वो अपने इमेज के प्रोसेसिंग में है, अगर उसकी प्रोसेसिंग और अच्छी हो जाए तो शायद सेल्फीज़ और जितनी भी फोटोज़ हमने पहले देख रखी हैं वो अच्छी निखर के आ सकती हैं। अब दोस्तों फाइनली आते हैं हम नाइट फोटोज़ की तरफ, और 5,999 में अगर आप कोई कैमरा खरीद रहे हैं तो ये तो मान के चलो कि उसकी नाइट फोटोज़ इतनी अच्छी नहीं आएगी। और यहाँ भी दोस्तों Tenor D और Redmi 5A दोनों का अगर आप फोटोज़ देखें तो बहुत ही मतलब एक जैसी सी, मतलब कहीं Tenor D बढ़िया है तो कहीं Redmi 5A। और उसका एक रीज़न मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपका हाथ थोड़ा सा भी हिलता है किसी फोटो को लेते समय नाइट मोड में तो वहाँ पे कैमरा ब्लर्ड फोटोज़ देता है, और ऐसे में आप या तो फ्लैश यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई ट्राइपॉड यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज
हाथ आपके बहुत ही स्टिल रहने पड़ेंगे। और मैंने लगभग 10 से 15 फोटोज लिए थे, तब जाकर के कहीं ये 5 अच्छी फोटोज निकल के आई हैं। और दोस्तों फाइनली जाते जाते आप ये वीडियो देख लीजिए जो हमने दोनों ही फोन से शूट किए हैं। और एक वीडियो जो Redmi 5 है आपको ओवर सैचुरेटेड लग रही होंगी, और शायद कुछ लोगों को वो ओवर सैचुरेटेड वीडियोज पसंद आए अगर वो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे शेयर कर रही हो। लेकिन मैं अभी भी टेनर डी का यहाँ पे साथ दूंगा वीडियोज में, और क्योंकि ये फ्लैट वीडियो प्रोड्यूस करती है तो यहाँ पे एडिटिंग का स्कोप थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगेन एट दिस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट आपको यहाँ पे 1080p की फुटेज मिलेंगी और 30fps का दोस्तों आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाएगा, और बहुत ही डिसेंट है। मतलब 5999 में ये तो एक जैकपॉट कैमरा आपको दोनों में मिल रहा है, मैं यही बोलूँगा। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा क्विक कैमरा कंपेरिजन Redmi 5A जो कि Xiaomi का है और Tenor D जो कि Amazon की तरफ से है। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी फ़ोटोज़ अच्छी लगी। हम सारे के सारे रॉ फोटोज़ जो कि Tenor D के हैं और Redmi 5A के हैं आपको इस वीडियो के नीचे लिंक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें डाउनलोड करके खुद जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं कि किस में आपको बेटर क्वालिटी मिलती है, किस में आपको नॉइज़ ज़्यादा मिलती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपको संतुष्टि मिलनी चाहिए। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और अपने अगले वीडियो में आपसे मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।